आपने सब कुछ ट्राई कर लिया पर आपका वेट बढ़ नहीं रहा है। एक तरफ होते हैं मेरे जैसे लोग जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, दूसरी तरफ होते हैं काफी लोग जो एक्चुअली अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने सब ट्राई कर लिया। अगर आप उन लोगों में से एक है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नमस्ते, मेरा नाम है पारस, आई एम द फाउंडर ऑफ नुस्खे बाय पारस, इंडिया की आयुर्वेदिक वेलनेस कंपनी, और स्टार्ट मफिन, इंडिया की न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल कंपनी। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं वेट गेन करने के लिए और आपने काफी चीजें ट्राई कर दी और आपको कुछ भी मदद नहीं किया, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपका एक महीने में 2 या 3 केजी तो बहुत आराम से वेट गेन हो जाएगा। सिंपल चीजें, आसान चीजें जो आप घर पे कर सकते। पर पहली बात तो ये समझते हैं कि आपने क्या क्या ऑलरेडी कर दिया है। आप एक्सरसाइज भी करते हैं, वेट्स भी उठाते हैं, शायद आपको लगता है बहुत खाते हैं आप, तो इतना ज्यादा खाते हैं पर फिर भी आप वेट गेन नहीं कर रहे। हियर इज द प्रॉब्लम, लोचा है आपकी डाइट में। आपको लगता है बहुत ज्यादा खाते हो पर एक्चुअली आपकी बॉडी के हिसाब से कुछ ज्यादा कैलोरीज नहीं है। वेट गेन कब होता है? जब आपकी बॉडी में कैलोरी सरप्लस होता है। कैलोरी सरप्लस का मतलब यह है कि आपकी बॉडी जितनी ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रही है उससे ज्यादा कैलोरीज ले रही है। इसका मतलब आपका इनटेक आपके स्पेंड से ज्यादा है। पर अक्सर इवन दो यू कीप थिंकिंग आप बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि काफी लोग होते हैं यार हम पूरे दिन मुंह ठूसते रहते हैं फिर भी वेट नहीं पुट ऑन करते। द फैक्ट इज आप क्या खा रहे हो उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। लेट्स गेट टू द बेसिक साइंस ऑफ स्टफ। ऑलराइट, बॉडी टाइप्स 2 टाइप की होती है, एक होता है एक्टोमॉर्फ, एक होता है एंडोमॉर्फ। तो अगर आप वेट गेन नहीं कर पाते हैं आप है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ यानी कि वो मतलब जो भी खा ले वो पतले रहते हैं। एंडोमॉर्फ यानी कि जिनकी वेट गेन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप एक एक्टोमॉर्फ है यानी कि ऐसे इंसान है जिनको वेट पुट ऑन करने में दिक्कत होती है, बेसिकली आपका जो बीएमआर है, आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो बहुत ज्यादा हाई है। जिसका मतलब आप जो भी खा ले आपकी बॉडी को वो कम पड़ता है, बिकॉज वो एक्चुअली आपकी बॉडी बर्न कर देती है। अब जब बर्न कर दिया तो स्टोर नहीं हुआ, जब स्टोर नहीं हुआ तो आपका वेट नहीं बढ़ा। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं व्हाट यू नीड इज एक्चुअली अ कांस्टेंट कैलोरी सरप्लस। इट हैज टू बी ए कंसिस्टेंट कैलोरी सरप्लस। अब जब कोई वेट लूज करना चाहता है, अगर उन्होंने एक दिन कुछ नहीं खाया, 2 दिन कुछ नहीं खाया, क्या वो पतले हो जाएंगे? यस, थोड़ा सा उनका वेट लूज हो जाएगा, बट 2-3 दिन के बाद देन दे स्टार्ट ईटिंग, वो उसी वेट पर वापस चले जाएंगे। वैसे ही जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, आपने एक दिन बहुत ज्यादा खा लिया, दूसरे बहुत दिन ज्यादा खा लिया, पर इतना ज्यादा खाना भी डिफिकल्ट होता है। ट्रस्ट मी, अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरीज इंटेक करना चाहते हैं, इतनी ज्यादा कैलोरीज इंटेक करना इज ऑल्सो अ टास्क। अगर आपको लगता है मैंने एक पिज्जा खा लिया, एक बर्गर खा लिया, एक आइसक्रीम खा लिया, उससे एक्चुअली आपका वेट बढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपकी बॉडी एक्चुअली ऐसे भी बर्न कर ही रही है क्योंकि आपका बीएमआर इतना ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि आपके वो जो कार्ब्स हैं दे आर नॉट रियली कन्वर्टिंग टू एनी सॉर्ट ऑफ बॉडी मास जो आप चाहते हैं। आपको चाहिए गुड फैट्स, हेल्थी फैट्स और गुड डाइट, या आपको चाहिए गुड कार्बोहाइड्रेट्स। कांस्टेंट कैलोरी सरप्लस का मतलब यह है कि आपको अपनी लाइफ में एक ऐसी चेंज बनानी पड़ेगी जो कंसिस्टेंटली आपके साथ रहे, जिसका मतलब है कि रोज आपका कैलोरी इनटेक आपके आउटटेक से बहुत ज्यादा हो। इस फिनोमेनन को बोलते हैं कीको। कीको यानी कि कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका की आपके को से ज्यादा है, समझे। अब सपोज लिए आपका बीएमआर 2500 है, ओके, अ नॉर्मल एवरेज एडर, उनका बीएमआर कुछ 1800 से 2000 के आसपास होता है, जिसका मतलब ये कि उन्होंने अगर 1800 से लेके 2000 कैलोरीज खाई, उनका वेट ना ऊपर बढ़ेगा ना नीचे आएगा। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं आप 1800 से नीचे कैलोरीज खाएंगे। अगर वेट गेन करना चाहते हैं आपको 3500 कैलोरीज से ज्यादा खाना है, पर इतना खाना खाएंगे कैसे? अब टेक्निकली इसका आंसर बहुत आसान लगता है, खाना खाना है, कैलोरीज चाहिए, आप जंक फूड खा लो, हो जाएगा। एक आइसक्रीम में ऑन एन एवरेज 200 कैलोरीज होते हैं, ग्रेट, डन। एक बर्गर खा लिया, एक बर्गर में ऑल 450-500 कैलोरीज होते हैं, डन, आपके 700 कैलोरीज हो गए आपको। लेकिन अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, एवरी केजी, हर केजी गेन करने के लिए आपको ऑन अ सरप्लस 4500 कैलोरीज चाहिए, सरप्लस पे चाहिए। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि आपकी दिन की अगर बीएमआर आपका 2000 कैलोरीज है, आपका दिन का सरप्लस सिर्फ 500 है। दैट इन नो वे विल कन्वर्ट टू यू गेनिंग अ किलोग्राम। आप चाहते हैं आपका वेट 2 या 3 केजी बढ़े, वो कैसे होगा? प्रॉब्लम इज आपने जंक फूड खा लिया, 1 दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, 3 दिन खा लिया, तो प्रॉब्लम इज आप आइसक्रीम्स, केक, शेक्स ये सब खाएंगे, ए इट्स नॉट हेल्थी फॉर यू, बी आप वेट गेन करना चाहते हैं पर हैज बी हेल्थी वेट गेन, क्योंकि आपने जंक फूड खाया आपको डायबिटीज हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, आपको थायराइड हो जाएगा, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन हो सकता है, आपको हर कुछ हो सकता है, बिकॉज यू ईटिंग ऑल द रॉन्ग स्टफ, यू डोंट वांट दैट। व्हाट डू यू वांट? आपको एक्चुअली ऐसे ऐसे फूड्स खाने हैं जो कम क्वांटिटी में भी कैलोरी डेंस है। फॉर एग्जाम्पल, 100 ग्राम खीरे में होती है 12 कैलोरीज, 12 कैलोरीज 100 ग्राम खीरे में, वही 100 ग्राम केक में होंगी कुछ 300-400 कैलोरीज, 300-400 कैलोरीज। तो केक ऑब्वियसली कैलोरी रिच फूड है, क्यूकम्बर ऑब्वियसली कैलोरी डिफिशियंट फूड है। अब अगर आप वेट गेन करना चाहते हो आप ऑब्वियसली केक जैसी चीजें खाएंगे, बट यू कैन बी लिविंग ऑन केक, राइट? यू हैव टू ईट स्टफ व्हिच इज न्यूट्रिशियस, व्हिच इज हेल्थी, पर एक ऐसी चीज जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स को सुपरसीड कर रहे। आपका बीएमआर ऑलरेडी 2000 के आसपास है, आपको वेट गेन करना है तो आपको तो एक्चुअली 3000-4000 कैलोरीज की जरूरत है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंपल गाय, अगर आपका वेट बहुत ही ज्यादा कम है और आप चाहते हो कि आपका 2-3 केजी बढ़ जाए। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रेकमेंड टू मोस्ट पीपल जो वेट गेन
करना चाहते हैं शकरकंदी. स्वीट पोटेटो इज एक्चुअली फैंटास्टिक, दे आर गुड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर यू. 100 ग्राम शकरकंदी में होती 86 कैलोरीज. ओके, नाउ अंडरस्टैंड, नेचुरल फूड्स आर्टिफिशियल फूड्स की कैलोरी डेंसिटी को कम्पीट नहीं कर सकते, बट शकरकंदी अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं बहुत अच्छा है. वो रेडियो पे नहीं मिलते दिल्ली विल्ली में, वहां पे रेडियो में बेचते रहते हैं. दैट इज अ ग्रेट स्नैक फीड. जब आपको भूख लग रही है 200 ग्राम शकरकंदी खा ली, आपको फाइबर भी मिल रहा है, गुड कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, विटामिंस और मिनरल्स भी मिल रहे हैं, और शकरकंदी आपकी आई हेल्थ को भी प्रमोट करती है. वेट भी बढ़ जाएगा, फाइबर भी मिल जाएगा, हेल्दी भी है. एक दूसरी चीज जो बहुत अच्छी है फॉर पीपल हु वांट टू गेन वेट, पीनट बटर. आई लव पीनट बटर. पीनट बटर एक ऐसी चीज है जो बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में लोग अपना जो वेट बढ़ाना चाहते हैं, मास बढ़ाना चाहते हैं, हमेशा यूज कर. पीनट बटर की एक सर्विंग होती है 32 ग्राम्स. अब अगर आप मेरे जैसे हैं, मुझे पीनट बटर इतना अच्छा लगता है पर मैं उसको लिमिट करता रहता हूं. मैं दिन में 2 चम्मच खाऊंगा सुबह और शाम को, एंड आई एम डन. मुझे हेल्थी फैट्स मिले हैं, गुड कार्ब्स मिले हैं, इट्स गुड फॉर माय मसल बिल्डिंग. पर अगर मैं उससे ज्यादा खाऊंगा मैं मोटा हो जाऊंगा, जो एक अक्सर गलती है जब मैं कर लेता हूं. पर अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, पीनट बटर आप बिंदास खा सकते हैं, मजे से खा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हेल्थी फूड है. अब पीनट बटर एक कैलोरी रिच फूड है, इसलिए अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, जो स्टार्ट मफिन का प्रोटीन पीनट बटर है, दिस इज अ ग्रेट चॉइस फॉर यू. अब जो स्टार्ट मफिन का पीनट बटर है, इसके 100 ग्राम में है 596 कैलोरीज. ओके, 596 कैलोरीज इन 100 ग्राम्स, इजी टू ईट प्रोटीन पीनट बटर. इसमें प्रोटीन भी अच्छा है, हेल्थी फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है. इसका मतलब है कि अगर आपने 32 ग्राम यानी कि 2 चम्मच खा लिया, आपको 190 कैलोरीज मिल रही है ना, दैट इज फैंटास्टिक. 190 कैलोरीज हेल्थली खाने के लिए ऐसी बहुत कम चीजें जो आप खा सकते हैं. पीनट बटर इज फैंटास्टिक फॉर यू बिकॉज जितनी भी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में लोग हैं, दिस इज वन थिंग दैट दे ऑल यूज बिकॉज इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है. ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपका वेट बढ़ाता है, एक्चुअली आपके वेट को मैनेज करता है. तो मेरे जैसे लोग जो हेल्थी होना चाहते हैं, मैं रात को पीनट बटर खा के सोता हूं बिकॉज बेसिकली मैं इससे फुल रहता हूं बिकॉज इट्स अ कैलोरी रिच फूड, और पूरे रात मेरे मसल्स को फीड मिलती रहती है. अब जैसे फिलहाल मैं ये नहीं खा रहा हूं, मैं वेट लॉस करने की कोशिश करूं, तो अगर मैं चॉकलेट पीनट बटर खाऊंगा, इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा शुगर है, तो आई डोंट ईट दिस करंटली. बट उन लोगों के लिए जो वेट गेन करना चाहते हैं, उनके लिए सब मफिन का चॉकलेट पीनट बटर इज फैंटास्टिक बिकॉज आप इससे एक्चुअली वेट गेन करेंगे. रफली इसके और इसका कैलोरी और मैक्रोस बिल्कुल सिमिलर है. तो अगर आप दिन में इसके 2 चम्मच खा रहे हैं, इसके 2 चम्मच खा रहे हैं, या एक्चुअली मेरे फेवरेट वाले के जो कि सब मफिन का हनी पीनट बटर है, जो कि नेचुरल हनी से बना हुआ है, ऐसी चीजें खा रहे हैं, सिर्फ इनको यूज करके आपका डेली कैलोरी इनटेक, अगर आपने पीनट बटर दिन में 3 बार खा लिया 6 चम्मच, आपकी रफली कैलोरीज अगर हर 2 चम्मच में 190 कैलोरीज हैं, तो 200 पकड़ के चल लेते हैं, 600 कैलोरीज तो आपकी सिर्फ 6 चम्मच से होगी. नाउ यू सी हाउ इजी इट इज. अदरवाइज अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, आप बोलेंगे मैंने इतना बर्गर पिज्जा पास्ता खा लिया पर मेरा वेट गेन फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि आप गलत चीजें खा रहे हैं. यू नीड हेल्थी स्टफ. और मैं सिर्फ अपने पीनट बटर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, कोई भी पीनट बटर अगर आप चूज कर रहे हैं रात के लिए, दिस इज फैंटास्टिक बिकॉज ये बहुत ही अच्छा डिजर्ट बन जाता है. स्टार्ट मफिन का चॉकलेट पीनट बटर इज ग्रेट फॉर द नाइट. ये रात को खा के सोने में बहुत अच्छा लगता है. यू विल पुट ऑन सम नाइस हेल्थी वेट जो आप गेन करना चाहते हैं. ब्रेकफास्ट के लिए स्टार्ट मफिन का हनी पीनट बटर इज ग्रेट. ब्रेड पर इसको लगा के खाई, ब्रेड के साथ आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा. ब्राउन ब्रेड में एक्चुअली अच्छी कैलोरीज भी होती हैं, अच्छा फाइबर भी होता है, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं. तो अगर आप, मैं ब्रेड नहीं खाता हूं बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू लूज वेट, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड में 2 चम्मच पीनट बटर डाल दीजिए सुबह, हनी पीनट बटर, एंड इट विल बी फैंटास्टिक फॉर यू. दिस बाय द वे इज डिलीशियस, मेरा फेवरेट है. प्रोटीन पीनट बटर में आप एक ऐसी चीज कर सकते हैं विच इज फैंटास्टिक फॉर यू. इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक ऐसा मेरा ब्रह्मास्त्र जिसकी वजह से आपका वेट बहुत फटाफट गेन हो जाएगा, और एक्चुअली हुआ है. आप में से इतने सारे लोगों ने मुझे एक चीज खाई, इसके 2 चम्मच डाले हैं इसके अंदर. ये है स्टार्ट मफिन का मसलिशियस वे प्रोटीन. मसलिशियस एक वेट गेनर है. इसका फ्लेवर मस्क कुकीज एंड क्रीम है. startmuffin.com पर बाकी अलग अलग फ्लेवर्स भी हैं. पर एक वेट गेनर क्या करता है, एक वेट गेनर में अच्छे कार्ब्स होते हैं, अच्छे फैट्स होते हैं, और एक कैलोरी रिच है. इसका एक स्कूप, अब 1 ग्लास दूध लीजिए, उसमें 1 केला काट के डाल दीजिए, उसमें 1 स्कूप स्टार्ट मफिन का मसलिशियस डालिए, और 2 चम्मच स्टार्ट मफिन का प्रोटीन पीनट बटर डालिए. दिस शेक इज डिलिशियस, इट्स न्यूट्रिएंट रिच, इट्स सो बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, और आप वेट गेन करने लग जाएंगे. फिर से बताऊं, 1 स्कूप स्टार्ट मफिन का मसलिशियस 1 ग्लास दूध में, जिसमें आप डालेंगे 1 केला और 2 चम्मच स्टार्ट मफिन का प्रोटीन पीनट बटर. आप प्लीज ये करके देखिए, 15 दिन में 1.5 केजी आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा. और 1.5 केजी जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो जानते हैं कि कितना ज्यादा होता है. और ये बात आप में से काफी लोगों ने जिनने स्टार्ट मफिन का मसलिशियस लिया है, आपने मुझे खुद बताई कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, विच आई फील सो गुड अबाउट. अब स्टार्ट मफिन के मसलिशियस में 100 ग्राम में 374 कैलोरीज, यानी कि अगर आप एक स्कूप लेंगे जो कि 50 ग्राम का स्कूप है, उसमें है कुछ 187 कैलोरीज. नाउ दैट्स ग्रेट. ओके, आपको 187 कैलोरीज प्रोटीन से मिल रही है, विच इज सुपर्ब. तो अब ये सोचिए, दिन में आप इतना कुछ खाएंगे, आपने सारे पीनट बटर्स मिला के आपको दिन के 600 कैलोरीज मिल गए. साथ में आप इसको सुबह लेंगे और शाम को लेंगे, यानी कि आप इसके 2 स्कूप लेंगे जो मिला के बन गए 100 ग्राम, हो गए 374 कैलोरीज. 6 चम्मच पीनट बटर से आपको मिल गए 600 कैलोरीज, इससे मिल गया आपको तकरीबन 400 कैलोरीज. 1000 कैलोरीज आपकी एक्स्ट्रा यहीं से हो गई, विच इज वाई यू विल पुट ऑन वेट. और द गुड पार्ट इज, ये जो 1000 कैलोरीज हो गई है ये अच्छी कैलोरीज है. तो अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये एक्चुअली तो काफी एक्सपेंसिव है, पर startmuffin.com पर ये सस्ता मिल जाएगा आपको. एंड आई फील सो हैप्पी उस काफी लोगों ने इसको जब यूज किया हुआ है, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होते. अब ये तो थी डाइट की बात, बट एक ऐसी चीज है जो आपके वेट गेन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, वो है थायराइड.
काफी सारे लोग जिनको थायराइड है, हाइपो है या हाइपर है, उससे आपका जो वेट गेन या वेट लॉस का सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। हॉर्मोन्स प्ले एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट। लड़कियों के लिए हॉर्मोन्स की वजह से PCOS होता है, लड़कियों के लिए हॉर्मोन्स की वजह से एक्ने होता है, लड़कियों में हॉर्मोन्स की वजह से एक्स्ट्रा बॉडी हेयर होती है, लड़कों में हॉर्मोन्स की वजह से डिफिशियंसी या एक्सेस से काफी चीजें होती है, उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, घटता है, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से या ज्यादा होने की वजह से उनका वेट गेन, इनका वेट लॉस हो जाता है, सेक्स ड्राइव में चेंज आता है। हॉर्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, और आपके वेट गेन में भी आपके हॉर्मोन्स का बहुत ज्यादा लोचा हो सकता है। जो एक दूसरी चीज है जिसकी वजह से आप वेट गेन नहीं कर पाते वो है आपका डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन खराब है, आपकी बॉडी में फाइबर की कमी है, इफ योर डाइजेस्टिव जूसेस आर नॉट फंक्शनिंग द वे दे शुड बी, आप कितना भी कुछ खा लीजिए आपकी बॉडी उसमें आधे चीजों को तो न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब ही नहीं कर रही। जब आपका न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, आप जो भी खा रहे हो वो एक्चुअली बाथरूम में निकल रहा है, आपकी बॉडी में लग नहीं रहा है। और एक्जैक्टली इसी रीजन से हमने स्टमक मफिन के मसल टिश्यूज में डाले हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज आप ये जब खा रहे हैं आप जो बाकी भी चीजें खा रहे हैं वो भी डाइजेस्ट बेटर होती है। एक जो चीज जो काफी लोग नजरअंदाज करते हैं वो एक्सरसाइज। काफी लोग जो वेट गेन करना चाहते हैं सोचते हैं हम एक्सरसाइज क्यों करें, हमको पतला थोड़ी होना है। एक्चुअली पर आप जब एक्सरसाइज करते हैं आपका मेटाबॉलिक रेट ऑप्टिमाइज होने लग जाता है, आपका फैट बर्निंग ऑप्टिमाइज होने लग जाता है, आपका कैलोरी इनटेक आउटटेक का एक सिस्टम बनने लग जाता है, जिसका मतलब कि आपकी बॉडी एक्चुअली ऐसे गियर में आने लग जाती है जब उसको आप पता है कि मुझे इतना खाना मिल रहा है, इतना मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है। और बिकॉज आपका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा नॉर्मल होने लग जाएगा, यू विल रियलाइज कि एक्चुअली एक्सरसाइज करने से आपका वेट बढ़ने लग जाएगा द वे यू एक्चुअली वांट। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ये जो इशू है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सो प्लीज वर्कआउट इन दी एंड। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, जो भी आपका एवरेज मेटाबॉलिक रेट है उससे ऑलमोस्ट डबल टू स्टार्ट विद। आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ इनसाइट्स दी होंगी, आई होप इस वीडियो ने आपको समझाएगा आपको क्या क्या करना चाहिए, आप क्या गलतियां कर रहे हैं। आई होप इस वीडियो की वजह से आप वेट गेन करना चाहेंगे। मेरे सारे प्रोडक्ट्स स्टार्ट मफिन का मसलिशियस, स्टार्ट मफिन का प्रोटीन पीना बटर, स्टार्ट मफिन का चॉकलेट पीना बटर और स्टार्ट मफिन का हनी पीना बटर अवेलेबल है startmuffin.com पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई लव यू गाइस एंड बिग पुच्ची। What's party gotta do? What?